नमस्कारम दोस्तों, आज हम माँ मीरा के चरित्र के पंचम भाग में प्रवेश कर रहे हैं। मीरा जी माँ के साथ में महल के झरोखे पर खड़ी हुई हैं और देखती हैं कि बहुत सारे सजे धजे लोग गाजे बाजे के साथ चले आ रहे हैं और एक व्यक्ति हाथी पर राजा महाराजाओं की तरह सजा धजा बैठा हुआ है। मीरा माँ से पूछती हैं, माँ यह कहाँ जा रहे हैं? माँ कहती हैं, यह बारात आई है बेटी। बारात क्या होती है माँ? यह इतने गहने पहनकर हाथी पर कौन बैठा हुआ है? यह तो दूल्हा है बेटी, बहू को ब्याहने जा रहा है। अपने नगर की सेठ की बेटी का ब्याह होगा इससे, माँ ने दूल्हे की ओर इशारा करके कहा। मीरा ने कहा, क्या माँ सभी बेटियों के बर होते हैं? माँ ने कहा, हाँ बेटियों को तो ब्याहना ही पड़ता है, बेटी का बाप के घर जीवन नहीं कटता है। मीरा ने कहा, तो मेरा बींद कहाँ है माँ? माँ हंस जाती हैं। माँ ने कहा, बेटी विधाता ने जहाँ का लिखा होगा वहीं तेरा बर होगा। लेकिन मीरा तो रूठ कर जमीन पर लेट गई, रोने लगी, माँ बताओ मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने कहा कि यह बात तुम अपनी ताई से पूछो। मीरा कहती हैं, मुझे नहीं पूछना किसी से, आप ही बताओ। हाथ पांव पटकती हुई बोली, बताओ मेरा बर कौन है? माँ ने कहा, ठीक है रो मत, देख तुझे रोता देखकर तेरे गिरधर गोपाल तेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अच्छा तू जानना ही चाहती है तेरा बर कौन है, तो तेरा बर गिरधर गोपाल ही हैं। क्या सचमुच? सुख भरे आश्चर्य से मीरा ने पूछा। माँ ने कहा, हाँ बेटी तेरा बर गिरधर गोपाल ही है। अब माँ तो सोच रही थी कि कैसे भी करके ये मन जाए, कैसे भी करके ये चुप हो जाए, लेकिन मीरा के लिए यह छोटी सी बात उनके हृदय में उतर जाती है और बस वह तो गिरधर गोपाल को ही अपना बर मान लेती हैं। अब वह समय आया जब निर्वृत्तिनाथ मीरा को योग सिखाने आते हैं। वे यह देखकर बहुत प्रसन्न थे कि मीरा को जिस आसन में वे जितनी देर ठहरने को कहते मीरा उससे दोगुने समय तक ठहर के दिखा देती। मीरा इतने गूढ़ प्रश्नों को पूछती कि महात्मा चकित रह जाते। मीरा ने बहुत कम समय में योग अभ्यास में उच्च स्थिति प्राप्त कर ली और निर्वृत्तिनाथ जब विदा हो गए उसके बाद मीरा का मन पूर्णता योग से भक्ति की ओर हो गया। परंपरा के अनुसार मीरा को शास्त्र और शस्त्र शिक्षा भी दी गई। जयमल छोटा होने पर भी शस्त्र विद्या में मीरा से अधिक आगे थे। मीरा ने शीघ्र ही शस्त्र और शास्त्र दोनों शिक्षाएं आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर ली और अब मीरा का अधिक से अधिक समय श्याम कुंज में बीतने लगता है। यह श्याम कुंज वह क्षेत्र है जो दूदाजी ने मीरा के भजन पूजन के लिए बनवाया था। मीरा की भक्ति और भजन में बढ़ती रुचि देखकर रनवास में चिंता व्याप्त हो गई। लोगों के बीच मीरा की सगाई के लिए कानाफूसी होने लगी। इसका विवाह भी होगा या यूं ही जोगन बनी यहीं बैठी रहेगी। एक दिन मीरा की बड़ी माँ मीरा के ताऊ से कहती हैं कि मीरा 10 साल की हो गई, उसकी सगाई या संबंध का कुछ सोचा है, कोई चिंता फिकर है या नहीं है? बीरमदेव जी जो मीरा के ताऊ जी हैं वो कहते हैं, सोचा तो है पर दूदा जी क्या पता पसंद करें या ना करें। माँ ने कहा, अरे क्या और पोतियों का विवाह ना हुआ जो दूदा जी इसका ना करेंगे? हुआ तो है लेकिन वे मीरा नहीं थी, उसकी शिक्षा दीक्षा के हिसाब से कोई उचित वर मिले तो सही, वह साधारण बालिका नहीं है। मीरा की बड़ी माँ कहती हैं, साधारण हो या असाधारण हो विवाह तो करना ही पड़ेगा। मीरा के ताऊ ने कहा कि तुम ही बताओ तुम्हारी नजर में
कोई लड़का हो तो। ताई कहती हैं, है तो मेरा भतीजा भोजराज। क्या कहती हो, वो क्या तैयार होंगे इस संबंध को? ताई ने कहा, होंगे क्यों नहीं होंगे, हमारी मीरा जैसी उन्हें बहू कहाँ मिलेगी, और हमारा काम तो सिर्फ कर्म करना है, बाकी सब परमात्मा पर छोड़ देंगे। और इस तरह मीरा की सगाई की चर्चा रनवास में चलने लगती है। आगे की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।